हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं यूलर फाइव फंक्शन एंड टाउ फंक्शन। इसका ग्रुप थ्योरी में बहुत बड़ा यूज है और स्टूडेंट को बहुत तकलीफ आती है कि सर ये होता क्या है और ये क्यों होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्रुप थ्योरी में यूलर फाइव फंक्शन एंड टाउ फंक्शन का क्या यूज है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो इनसे कनेक्टेड है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मेरी जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस हैं जो कि मैं यहां पे नए चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, आप आईटी पे जाके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसमें बात करेंगे यूलर फाइव फंक्शन की, यार होता क्या है। अगर आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर के आपको पॉजिटिव को प्राइम नंबर निकालने हैं और उससे छोटे भी हो, राइट, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो यहां हम निकाल सकते हैं। सो हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 15 और आपको ये पता लगाना है कि 15 के कौन कौन से को प्राइम नंबर है जो 15 से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं। तो यार एक तो एक होगा, एक हमारे पास यहां पे दो होगा, एक हमारे पास चार होगा, एक हमारे पास यहां पे सात होगा, एक हमारे पास यहां पे आठ होगा, देन हमारे पास यहां पे 11 होगा, देन 13 होगा एंड 14 होगा। तो आप देख रहे हो यार 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यार हमारे पास 8 को प्राइम नंबर है, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से नंबर है जो 15 से डिविजिबल है और 15 से छोटे हैं और बराबर है, राइट। तो यार 15 से छोटे और बराबर और पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, तो हम जानते हैं यार 1 इसको डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड करता है एंड देन सीधा 15 इसको डिवाइड करता है। तो आप जानते हैं यहां पे हमारे पास इसके जो डिवाइजर होंगे वो 4 होंगे। तो यार अगर आपको ये तो अभी करके देखना पड़ रहा है, पर अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 1025, तो यार उसके 1025 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे होंगे, तो हम यहां पे टाउ एन से निकालते हैं और नंबर ऑफ को प्राइम पॉजिटिव और उस नंबर से छोटे वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यूलर फाइव फंक्शन का यूज होता है। अब कैसे हम इसको यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सोचिए अगर आपके किसी भी नंबर के आपको को प्राइम नंबर निकालने हैं जो पॉजिटिव और उससे छोटे हो, तो हमारे पास यूलर फाइव फंक्शन यूज होता है एंड डिवाइजर्स निकालने तो हमारे पास टाउ फंक्शन यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूलर फाइव फंक्शन कैसे हम यहां पे यूज करते हैं और कैसे हम यहां पे निकालते हैं। तो इसमें बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एन अगर हमारे पास प्राइम है, तो यार हमारे पास यहां पे जो फाइव एन का वैल्यू होता है वो हमारे पास कितना होता है, एन माइनस वन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमारे पास यहां पे 7 दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि 7 के साथ ऐसे कौन नंबर होंगे जो 7 से छोटे होंगे और इसके साथ को प्राइम होंगे, राइट, और 0 मतलब पॉजिटिव। तो यार एक तो एक होगा, एक दो होगा, एक तीन होगा, एक चार होगा, एक पांच होगा, एक छह होगा। तो आप देख रहे हो 6 होगा, राइट। और वैसे भी हम फार्मूले में यूज करें तो यार 5 7 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यार इस वजह से हम इसको यहां पे यूज कर सकते ताकि हम कैलकुलेशन से बहुत इजीली निकाल सकें। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर बाय चांस हमारे पास अगर एन प्राइम नहीं और कंपोजिट नंबर हो, मान लीजिए से आपके पास दे रखा है एन फाइव, हमारे पास दे रखा है मतलब 15, आपको इसकी 15 की वैल्यू निकालनी हो, राइट। तो यार कैसे निकालेंगे उस वाले केस में, तो यार मैं बताना चाहता हूं 15 के अभी मैंने आपको निकाल के बताए थे 8 आए थे, राइट, है ना। एक तो आया था 1 था, एक 2 था, एक 4 था, एक 7 था, एक हमारे पास 8 था, एक हमारे पास यहां पे 11 था एंड 13 था एंड 14 था। तो ये सब हमारे पास क्या थे, 8 हमारे पास को प्राइम नंबर थे 15 के, राइट। तो यार अगर इस फार्मूले को यूज करो तो भी आएगा, तो इस वाले केस में हमारा जो फार्मूला है तो यार कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो अगर हमारे पास 515 की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो यार इसको हम लिखेंगे 53 × 55, राइट, है ना। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 15 अलग अलग कर देंगे इसको, ठीक है। एंड देन इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 53 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एन माइनस वन दैट इज 3 - 1, तो ये आएगा हमारे पास 3 - 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 - 1 दैट इज हमारे पास ये आएगा, तो भैया ये आएगा 2 × 4, तो हमारे पास कितने आएंगे, 8 नंबर आएंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि 8 ऐसे नंबर आते हैं जो 15 के साथ क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो इस तरह से आप इसको हम निकालते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल दिया, दैट इज एन इज इक्वल टू 10, तो 5 10, इसको लिख सकते हैं 2 × 5, ये हो जाएगा 5 2 × 5 5, ये हो जाएगा 2 - 1 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। इसी टाइप से अगर आप एन 42 करेंगे तो यार ये भी हमारे पास इसी तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर प्राइम की पावर हो तो यार कैसे करेंगे, राइट, कि अगर बाई चांस हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर दे रखा, मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि यार 549 की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर यार ये तो हो जाएगा 57 स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा 57 × 57, भैया गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, राइट, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको यहां पर ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास प्राइम की पावर आती है तो हम यहां पर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज 5 n है, तो हमारे पास ये आएगा p·k - p·k - 1, राइट। मतलब ये होगा हमारे पास कि 7 power 2 - 7 power 1 होगा, जो भी पावर यहां उससे एक पावर कम कर दीजिए, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 49 - 7 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 42। तो यहां पे ऐसे
को प्राइम नंबर होंगे जो 49 के साथ, मतलब को प्राइम हो और 49 से छोटे और पॉजिटिव हमारे पास 42 नंबर होंगे। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो 9, राइट, क्योंकि 9 ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, 9, तो यार इसको हम लिख सकते हैं 53 स्क्वायर, राइट, और इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसमें 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 6, तो आप 9 के हमारे पास को प्राइम नंबर क्या होंगे, 6 होंगे। आप बोलोगे सर कैसे, बताओ, तो यार मैं बताना चाहता हूं कि 9 से हमारे पास कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इसके साथ को प्राइम, तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, राइट, एक हमारे पास यहाँ पे कितना होंगे, 8 होंगे। देखो यार ये हमारे पास इसके साथ क्या होंगे, कोप्राइम 1 2 3 4 5 6, राइट, ये 6 नंबर यहाँ पे क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि यार सर आपने तो 3 अलग अलग फार्मूले बता दिए, यार इतने फार्मूले याद कैसे रखें, तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि इन तीनों फार्मूलों को हम एक फार्मूले से कर सकते हैं, वो ये है, रामबाण है, राइट, हर जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, स्टार्ट में सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये वाला, 5 7 दिया था, फिर 5 10 दिया था, फिर ये दिया था, राइट, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास, खैर ये तो अभी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल थे, मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार 5 10 की वैल्यू निकाल, तो इसको आप लिख सकते हो 5 2 into 5 5, ऐसा आप लिख सकते हो 5 into 2, और इसकी वैल्यू होती है 2 power 1 minus 2 power 0, यहां भी यूज कर सकते हो आप 5 power 1 minus 5 power 0, राइट, तो हम जानते हैं यार 2 minus 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 minus 1, दैट इज इक्वल टू 1 into 4, तो यहां पे हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट, और उस फार्मूले से भी करोगे तो यही आंसर आएगा, राइट, तो यार इस तरीके से आप यहां पे इसको यूज कर सकते हो, मतलब एक फार्मूले से सब फार्मूले आपके लग जाएंगे, आपको हर जगह अलग अलग फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सो सुन, देखिए यहां पे m is equal to 63 दे रखा है, और 63 तो हम लिख सकते हैं इसको 7 into 9, है ना, तो ये आएगा 3 square, ये आएगा 7, है ना, और हम जानते हैं 3 square है, तो हम जानते हैं यार ये क्या आएगा, आप देख रहे हो यार, सुनिए हमारे पास क्या आएगा, 3 square minus 3 power 1, और ये आएगा हमारे पास 7 power 1 minus 7 power 0 हो जाएगा, राइट, है ना, एक पावर कम कर देंगे, देखो 7 एक पावर कम 2 है तो 1 power कम, राइट, तो ये आएगा 9 minus 3, और ये आएगा हमारे पास 7 minus 1, है ना, तो यार हम जानते हैं 6 into, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 36 36 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप किसी वैल्यू निकालना चाहते हो 500, तो हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं 500 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 2 square into 5 cube हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 square into 5 5 cube हो जाएगा, अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 square minus 2 power 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 cube minus 5 square होगा, सिंप्लीफाई कर दो यार, है ना, तो यार ये हमारे 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, और ये 125 में से 25 गया तो 100 हो गया, राइट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, राइट, तो यार ये कंसेप्ट होता है हमारे पास यूलर फाइव फंक्शन का। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो यूलर फाइव फंक्शन का कंसेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे। सुन मुझे लगता है कि 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और यहाँ पे मेरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। सुन यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज मुझे टाइम जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, और ऑप्शन क्या है इसका, राइट, धन्यवाद। और टाउ फंक्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।